नोएडा में शारदा यूनिवर्सिटी का छात्र संदिग्ध हालत में, पिछले 3 दिन से लापता है। परिजनों की तहरीर पर थाना नॉलेज पार्क पुलिस ने गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी। हरदोई में राज्य आबकारी आयुक्त के निर्देश पर जिले में टीम ने की छापेमारी। छापेमारी में टीम ने शराब के ठेके से नकली शराब बरामद की। टीम ने नकली शराब बरामद करने के बाद दुकान को सील कर दिया। गृहमंत्री राजनाथ सिंह के वाराणसी दौरे का दूसरा दिन, दूसरे दिन गृहमंत्री बाबा श्री काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा श्री काशी विश्वनाथ के दर्शन पूजन किए। झांसी पहुंचे मंत्री जय कुमार सिंह जैकी ने जिला जेल का किया निरीक्षण। इस दौरान उन्होंने कहा कि जेल में बंद कैदी पढ़ाई करेंगे, कौशल विकास से बंदियों को प्रशिक्षित कराएंगे। ग्रेटर नोएडा से लापता कश्मीरी छात्र आतंकी संगठन में शामिल, सोशल मीडिया में वायरल वीडियो में दावा, शारदा यूनिवर्सिटी से 28 अक्टूबर से लापता था। बस्ती में हत्या का मुकदमा दर्ज होने से नाराज परिजनों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय का किया घेराव, साथ ही परिजनों ने पुलिस अधीक्षक के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। जौनपुर के टीडी डिग्री कॉलेज का चुनाव रद्द, मतगणना के दौरान मतपत्र की हो गई थी लूट, घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद, टीडी डिग्री कॉलेज प्रशासन ने चुनाव रद्द किया। इलाहाबाद में दीपावली के त्यौहार की तैयारियां जोरों पर, हर तरफ देखने को मिल रही है रोशनी भरा नजारा, कंप्यूटर फैलाने वाले पटाखों की बिक्री ज्यादा। खबर बागपत से है, जहां एसडीएम ने छापेमारी कर 10 क्विंटल बने हुए पटाखों को जब्त किया। खेप पकड़ने के बाद कई स्टॉक्स को एसडीएम ने सीज कर दिया। ये मामला खेकड़ा कस्बे का है। जौनपुर पुलिस ने फर्जी लूट कांड का खुलासा कर दिया, डायमंड व्यापारी के साथ नहीं हुई थी कोई लूट। झांसी में खाद्य विभाग की टीम ने दुकान की मिर्ची हल्दी धनिया में मिलावट को देखते हुए हल्दी मिर्ची के सैंपल भरे। हमीरपुर में अवैध खनन पर डीएम की बड़ी कार्रवाई, बेतवा नदी की जलधारा में अवैध खनन करा रहे लोगों की गाड़ियां सील कर दी। डीएम ने मौके से 12 ट्रक, 7 जेसीबी और 6 पोकलैन को किया सीज। महोबा में एम्बुलेंस सेवा हुई बदहाल, मृत जानवरों को ढोने वाले रिक्शे में मरीज को लेकर अस्पताल पहुंचा परिवार, मरीज को वार्ड में ले जाने के लिए नहीं मिला स्ट्रेचर। भदोई के महाराजगंज बाजार में हुआ बवाल और मारपीट, मारपीट में सब इंस्पेक्टर हुए घायल, बाजार में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात। देवरिया के परसिया चंदौर गांव के पास पेड़ से टकराई लग्जरी कार, हादसे में 2 की दर्दनाक मौत, अन्य 2 लोग गंभीर रूप से घायल। गोंडा के कन्नलगंज में फूड पॉइजन से 1.5 दर्जन से ज्यादा लोग हुए बीमार, एक कार्यक्रम में खाना खाने के दौरान हुए बीमार, उल्टी दस्त की शिकायत पर 10 लोग सीएससी में हुए एडमिट। हरियाणा के कुरुक्षेत्र पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, सीएम गुरुकुल का 106वां वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में हुए शामिल। फरुखाबाद में घनी आबादी वाले इलाकों में पटाखों की हो रही बिक्री, शहर के घनी आबादी वाले इलाके कादरी गेट और सतनपुर में थोक पटाखा व्यापारी कर रहे हैं बिक्री। बांदा में शहर कोतवाली के रोडवेज बस स्टैंड के सामने सुभी जनरल स्टोर में लगी आग, 10 लाख का सामान जलकर राख हुआ। फतेहपुर के गुटिया खेड़ा गांव में रहने वाले युवक युवती ने की आत्महत्या, गांव के बाहर पेड़ से लटकते हुए मिले शव, प्रेम प्रसंग के चक्कर में की आत्महत्या। झांसी के मऊरानीपुर थाना क्षेत्र के पीएनबी बैंक में महिला मोर्चा के जिलाध्यक्ष भाजपा नेता के बेटे ने की बैंक कर्मचारी के साथ मारपीट, मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद। चित्रकूट में बायोडीजल के नाम पर जिले भर में बेचा जा रहा है नकली डीजल, पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2500 लीटर नकली डीजल को बरामद किया। मुरादाबाद के करघर थाना क्षेत्र के रामगंगा पुल पार पर कार सवार ने बाइक सवार को रौंदा, हादसे में युवक की मौत, एक युवक गंभीर रूप से घायल। चंदौली के मुगलसराय रेलवे ओवरब्रिज पर सवारी भरते समय जीप अचानक ब्रिज के नीचे गिरी, 6 से ज्यादा सवारियों को आई गंभीर चोटें। झांसी में रेलवे के बड़े अधिकारी के घर छापा, एसडीआरएम और आरपीएफ की टीम ने मारा छापा, छापेमारी में बड़ी संख्या में दूसरी कंपनी की पानी की बोतलें बरामद। भारत समाचार की खबर का बड़ा असर, अवैध रूप से चल रही पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से एक बच्चे की हुई थी मौत, पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फैक्ट्री चला रहे सरगना अब्दुल अजीम जहरुद्दीन निशा को किया गिरफ्तार। चंदौली के मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के खोआ मंडी स्थित गुरु कॉर्नफ्लेक्स ने दुकान के बाहर लगे सीएफएल बल्ब को चुराते वर्दीधारी जवान सीसीटीवी कैमरे में कैद, सिपाही के बल्ब चोरी करने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। बागपत के बड़ौत में एसडीएम ने की छापेमारी, कई क्विंटल पटाखे किए जब्त, छापेमारी से कारोबारियों में मचा हड़कंप।
मऊ के डीसीएम के पीजी कॉलेज में छात्र संघ चुनाव की मतगणना कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पूर्ण हुई। पुलिस ने शांतिपूर्ण ढंग से पूर्ण कराई मतगणना। शाहजहांपुर के चौक कोतवाली क्षेत्र के कासीराम कॉलोनी में पालतू कुत्ते ने ली बच्चे की जान। पालतू कुत्ते के हमले से चार मंजिला इमारत से गिरकर बच्चे की मौत। गोंडा के जिला अस्पताल में हुई खून की कमी। 765 यूनिट क्षमता वाले जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में इस समय केवल 65 यूनिट खून की उपलब्ध है। कन्नौज के छिबरामऊ कोतवाली के एनएच 91 पर सवारी उतार रहा टेम्पो ट्रक की टक्कर लगने से पलटा। हादसे में ड्राइवर समेत एक मासूम की मौत, पांच सवारी गंभीर रूप से घायल। हरदोई के कोतवाली देहात इलाके में मामूली विवाद में युवक की गोली मारकर हत्या। गांव के युवक ने मारी गोली। हापुर सिटी कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता। लूट की घटना को अंजाम देने वाले तीन बदमाशों को 24 घंटे में पकड़ा। बदमाशों के पास से दो तमंचे, छह जिंदा कारतूस बरामद।